तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने एक बेहद आपत्तिजनक बयान दिया। तमिलनाडु में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म बीमारी की तरह है, इसलिए इसे खत्म किया जाना चाहिए। उनके सनातन पर दिए गए इस बयान के बाद हंगामा मचा हुआ है। उनके इस बयान को बीजेपी ने जेनोसाइड कॉल बताया तो कांग्रेस ने इससे किनारा कर लिया। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उदयनिधि के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सनातन धर्म था, है और रहेगा। सनातन को कुचलने की हसरत वाले कितने ही खाक हो गए, हिंदुओं को मिटाने के खा पाले कितने ही राख हो गए। सुनो घमंडिया गठबंधन के घमंडियों, तुम और तुम्हारे मित्र रहे ना रहे, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। ये बार बार प्रयास घमंडिया गठबंधन के एक के बाद दूसरे नेता ने किया है हिंदुओं पर वार करने का, चाहे वो शब्दों से हो, बम से हो या उनको कुचलने की बात हो। राम नामी का जुलूस अगर बंगाल में निकलता है तो बम और गोली चलाई जाती है। बिहार में रामायण पर और मां सीता पर अपशब्द कहने वाले और यूपी में ये घमंडिया गठबंधन के नेता नहीं थकते। हिंदू आतंकवाद कहने की होड़ कांग्रेस में एक के बाद दूसरे नेता की लगी है। आखिर इनकी मंशा और मानसिकता क्या है? ये राजनीति के लिए इतना नीचे गिर जाएंगे कि सनातन धर्म को खत्म करने की बात करेंगे, हिंदुओं को कुचलने की बात करेंगे, हिंदू आतंकवाद की बात कहेंगे? ये दिखाता है कि ये ध्रुवीकरण करके राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता इनका असली चेहरा जानती है, इनको सही ठिकाने पर पहुंचाएगी। पूरे देश से इस गठबंधन के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। खड़गे जी हो, राहुल गांधी जी हो, सोनिया जी हो, बाकी राजनीतिक दलों के नेता हो, इनको पूरे देश से और हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए। देश इनको माफ नहीं करेगा। अगर इनके आप भाषा देखेंगे तो ये लगातार देखने को मिलता है कि इनके पास अपने राज्यों की कोई उपलब्धि नहीं है, विकास पर ये बात नहीं करना चाहते और केवल हिंदुओं को नीचा दिखाकर अपमानित करके उनको कुचलने की बात करके पोलराइजेशन करके वोट पाने की सोच रखते हैं, लेकिन इनके मंसूबे कभी सच नहीं होंगे। वहीं आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने उदयनिधि के बयान पर कहा कि कभी कभी हमें प्रत्येक मुहावरे के अंदर जाकर सोचना होगा। उन्होंने कबीर दास का दोहा भी सुनाया। देखिए, मैं समझता हूँ कि कभी कभी ना हमलों को प्रतीक मुहावरों के अंदर जाकर के सोचना होगा। इस देश में कबीर अगर आज पैदा हो जाए और वो दोहा पढ़ दे, जो तू बाभन बाभनी जाया, अन बाट काहे नहीं आया, जो तू तुरक तुरक नहीं जाया, भितर ही खतना काहे न कराया, क्या करिएगा कबीर को फांसी पे लटका दीजिएगा? एक हिंदुस्तान का एक मिजाज रहा है, कई लोगों की सनातन में कई सारी विकृतियां हैं। क्या जाति व्यवस्था अच्छी चीज है? क्यों सीवर में उतरने वाले की जाति नहीं बदलती है? ये सारे सवाल हैं। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो लेके उड़ गए, कमाल की बात है। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि द्वारा सनातन धर्म पर की गई टिप्पणी को भाजपा नेताओं ने आपत्तिजनक बताया है। तीखी प्रतिक्रिया में भाजपा नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के पुत्र द्वारा ये घोर हिंदुत्व विरोधी बयान निंदनीय है। हालांकि विपक्ष लगातार इससे पल्ला झाड़ रहा है।